हाउ टू सॉल्व डिटर्मिनेंट्स। तो इससे पहले दोस्तों हमने मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं ये सीखा, और अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर विजिट कर सकते हैं। मैं सुरेंद्र खेर, चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। दोस्तों अभी हम डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी को काम में लेंगे। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी से आपका कैलकुलेशन कम हो जाता है। चलिए तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी क्या है, आप डिटर्मिनेंट की किसी भी रो में बदलाव कर सकते हैं, यानी यहाँ पे मैं अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। डिटर्मिनेंट के रो को हम क्या कहते हैं, देखिए आड़ी जो लाइन है इनको रो कहते हैं, इनको कहते हैं हम R1, R2 एंड R3। खड़ी लाइनें कॉलम कहलाती हैं, इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं C1, C2 एंड C3 से। तो अभी हम ध्यान से देखें तो इसकी जो एक नंबर रो है इसको यदि हम 12 को 3 से गुणा करें 36 मिल जाएगा, 3 को 3 से गुणा करें 9 मिल जाएगा, 7 को 3 से गुणा करें 21 मिल जाएगा, 22 माइनस 21 हमारे पास 1 आएगा। यानी ये जब हम आगे माइनस करेंगे तो ये 0 यहाँ 1 मिल जाएगा। जब किसी रो के दो एलिमेंट 0 मिल जाते हैं, ठीक है, तीनों 0 मिल जाएंगे तो पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा। लेकिन दो एलिमेंट यदि हम कम से कम दो एलिमेंट यदि हमें 0 मिल जाते हैं तो हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल नगण्य रह जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सारणिक में या संक्रिया करने पर, संक्रिया लिख देते हैं डायरेक्ट में। संक्रिया में क्या कर रहा हूँ, R3 में बदलाव कर रहा हूँ। ध्यान से सुनो दोस्तों, क्या बदलाव कर रहा हूँ, R3 में से मैं 3 से गुणा करके R1 को घटा देता हूँ। चलिए घटाते हैं। देखिए डिटर्मिनेंट को इस सिंबल के द्वारा लिखा जाता है, आप जानते होंगे। अब हम बदलाव किस में किया है, जो तीर के पहले लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, R3। तो R3 में चेंज होगा केवल, ध्यान से सुनना, बाकी जो R1 एंड R2 है वो आपकी एग्जैक्ट जैसी है वैसी आएगी। 12, 3, 7, 27, 7, 17, इनमें देखिए आपको कोई भी बदलाव नहीं करना पड़ा है। इसमें बदलाव क्या करना है, इसको लिखना है और इसमें से घटाना है, जो R1 है उसको 3 से गुणा करके। तो देखिए यह पहली पोजीशन है, इसमें R3 में देखिए R1 में पहली पोजीशन किसकी है, 12 की। तो 12 को 3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 36। इसमें 9 के पास आ गए माइनस, ऐसे सीध वाला देख लो, ऐसे समझ लो, 3 से गुणा किया, 3 को कितना गया 9, यहाँ कितना है 22, माइनस 7 को 3 से गुणा किया। फर्दर कैलकुलेशन करते हैं, देखिए 12, 3, 7, 27, 7, 17, 36 माइनस 36 0 आ गया, 9 माइनस 9 0 आ गया, 22 माइनस 21 आपका 1 आ गया, ठीक है। अब आप देख पा रहे हैं कि डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी यह कहती है कि यदि आपने ऐसी संक्रिया लगा ली है तो वैल्यू वही रहेगा, डिटर्मिनेंट का मान वही रहेगा जो पहले था, लेकिन अब इसको हल करना हमारे लिए क्या हो गया है, आसान हो गया है। चलिए इसको हम हल करते हैं। देखिए डिटर्मिनेंट का वैल्यू आप निकालना जानते हैं, डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालते समय हम एक चिन्हों का ध्यान रखते हैं। देखिए ऐसे चिन्ह लगाते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब हम इसको किसके रेस्पेक्ट में हल करेंगे, R3 के रेस्पेक्ट में हल करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सारणी को, डिटर्मिनेंट को हिंदी में सारणी कहते हैं, R3 के सापेक्ष हल करने पर एक्सपांड डिटर्मिनेंट एक्सपांड विद रेस्पेक्ट टू R3, यानी R3 के सापेक्ष सारणी का विस्तार करने पर, या सारणी को R3 के सापेक्ष हल करने पर। R3 ये रहा, इसके एलिमेंट क्या है दोस्तों आपके पास, 0, 0 और 1। चिन्ह किसको काम में लेंगे, R3 के इन चिन्ह को काम में लेंगे, पहले में प्लस, दूसरे में माइनस और तीसरे में प्लस। इसके साथ आता है डिटर्मिनेंट, इसके साथ डिटर्मिनेंट, इसके साथ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट में बनना क्या है उसको समझते हैं। देखिए 0 कहाँ आ रहा है, आप कहेंगे तीसरी रो और पहले कॉलम, इनको डिलीट कर दे, पीछे बचा क्या, आपके पास बचा 3, 7, 7, 17, यहाँ 0 आ रहा है तो हमने इसको डिलीट, इसको डिलीट, बचा क्या आपके पास 12, 27, 7, 17, यहाँ 1 आ रहा है, देखिए इसको डिलीट, इसको डिलीट, पीछे बचा क्या
बारह सत्ताईस तीन सात, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए जीरो का किसी भी संख्या के साथ गुणा होता है, ये एक संख्या ही तो है, इसका जब हम सोल्व करेंगे, ये टू बाई टू ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, ये भी टू बाई टू का है, ये भी टू बाई टू का है, सो सोल्व करेंगे हमारे पास क्या मिलेगा, एक नंबर, वो जीरो के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, जीरो, यहाँ भी जीरो है तो जीरो का मल्टीप्लाई हुआ, ये भी जीरो, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा, क्या है आपका वन है। टू बाई टू ऑर्डर के डिटरमिनेंट को कैसे सोल्व किया जाता है दोस्तों, बिल्कुल सिंपल है, इनका मल्टीप्लाई करना होता है, बारह मल्टीप्लाई सात कितना आ गया, चौरासी माइनस सत्ताईस मल्टीप्लाई तीन कितना आ गया, इक्यासी, तो चौरासी माइनस इक्यासी कितना आ गया, तीन मल्टीप्लाई एक, फाइनल कितना आ गया तीन। तो इस तरीके से हम अपना डिटरमिनेंट को सोल्व करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप को अलग अलग प्रॉपर्टी देखने को मिलती है और उन्हें डिटरमिनेंट की पोजीशन के अनुसार, डिटरमिनेंट कैसा दे रखा है आपको उसके अनुसार अलग अलग आपको प्रॉपर्टी काम में लेनी होती है। तो यहाँ पर हमने एक सिंपल एग्जांपल अभी हमने समझने की कोशिश की।